हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह। मेरे Y563 चैनल के इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने लूपिंग कंसेप्ट को पढ़ा था, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सब कंडीशन पढ़ने वाले हैं। इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं, इफ कंडीशन को कैसे यूज करते हैं और कितने टाइप से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि फ्रेंड्स, अगर आप हमारे Y563 चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, या अभी तक आपने हमारे इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी जो भी अपडेट्स वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले उसका लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, लाइक करके थोड़ा मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा कि हम आगे आए आपको लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर के आए ताकि आपको और भी चीजें और भी टेक्नोलॉजी सीखने में हेल्पफुल। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को, इफ कंडीशन क्या होता है और कैसे यूज करते हैं इन द जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें स्क्रिप्ट टैग को ओपन करना होता है क्योंकि हम लोग HTML में यूज करते हैं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इफ कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है सबसे पहले चीज। फ्रेंड्स, कंडीशन ये होता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि अगर ये काम कर दोगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये तो होगी थोड़ा ऐसे वाली बातें, मतलब एक कंडीशन डाल दे कि अगर ये काम ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर डालेंगे, दिस इज कंडीशन। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ये कंडीशन है। अब उस कंडीशन को हमें किस तरह से यूज करना है और कैसे यूज करना है, किस तरह से हमें अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल नम है और इसमें साइन 20 है। यदि नम इज ग्रेटर देन 20 तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि इफ नम इज ग्रेटर देन 20 का मतलब ये होता है, और इसके बाद ब्रेसेस लगे हुए हैं तो ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करेगा, तब प्रिंट करेगा जब वेरिएबल नम की वैल्यू 20 से ज्यादा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ब्रैकेट्स के अंदर की स्टेटमेंट जो हम यहां लिखे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नम, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट तब प्रिंट करेगा जब नम की वैल्यू, वेरिएबल नम की वैल्यू 20 से ज्यादा होगा, 20 से बड़ा रहेगा। बस इतनी सी कंडीशन कह रहा है कि नम की वैल्यू जब 20 से ज्यादा होगा तो ये उस ब्रैकेट्स के अंदर जाएगा और इसको प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। ये यही कह रहा है। इसके कहने का मतलब सिर्फ यही होता है कि ये कोड तब चलेगा जब नम की वैल्यू 20 से ज्यादा होगा। ये देखते हैं, नहीं प्रिंट करना चाहिए, ब्लैंक करना चाहिए। ये फ्रेंड्स देखिए कि पूरी की पूरी पेज ब्लैंक है, कुछ भी नहीं डिस्प्ले किया, यानी हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं हुआ। अगर ये ट्रू होता तो प्रिंट करता, नम की वैल्यू जो है 21 प्रिंट करता, देखिए 21 आ गया। तो दिस इज द कंडीशन एंड चेक द कंडीशन, इफ नम इज अ ग्रेटर देन ऑफ 20, नम की जो वैल्यू है वो 20 से बड़ा रहेगा, देन एग्जीक्यूट दिस कोड एंड दिस स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए बड़ा नहीं हुआ तो इस केस में तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, यानी कंडीशन ट्रू हुआ तो ये चला, कोड एग्जीक्यूट किया, इफ का स्टेटमेंट रन किया। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, मैच नहीं करता है, तो उस केस में तो कुछ भी नहीं दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो भी हमें कुछ मिले,
तो भी हमें कुछ आउटपुट बताए कि हाँ ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमें कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर ऐसा होता है तो ये प्रिंट करे, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये प्रिंट करे, दोनों कंडीशन प्रिंट करे। उसको हम लोग टेक्नोलॉजी में, टेक्निकल लैंग्वेजेज में इफ एल्स बोलते हैं, यानी ये तो ठीक है, इसके बाद यहां पे हमें एल्स लगाना होगा। यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट टाइप प्रिंट करते हैं, इसमें लिख देते हैं कंडीशन इज सॉरी फॉल्स। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली बार जब हम चल रन कराए थे तो कंडीशन फॉल्स था तो कुछ भी आउटपुट नहीं दिया था, जब कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें 21 आउटपुट दिया। इस प्रोग्राम में क्या होगा कि जब कंडीशन ट्रू होगा, जब यानी कि नम की वैल्यू 20 से ज्यादा होगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नम को प्रिंट करेगा, यानी कि ये एग्जीक्यूट करेगा, यहां पे कर्सर हमारा आ जाएगा। लेकिन बाय द वे कंडीशन फॉल्स हो जाता है, नम की वैल्यू 20 से ज्यादा नहीं होती है, यानी नम की वैल्यू 20 के बराबर या 20 से छोटा होता है, तो कर्सर यहां इसके अंदर नहीं आएगा, वो सीधा एल्स पार्ट में आ जाएगा, और एल्स पार्ट में जो रहेगा वो प्रिंट करेगा। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। तो रन कराते हैं, देखते हैं आउटपुट आता है, कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि नम इज इक्वल टू 20, नम के वैल्यू 20 है, और हम कंडीशन कहते हैं कि नम इज ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो डेफिनेटली ये चलेगा, कंडीशन ट्रू यहां फॉल्स तो यहां। तो ये है हमारे इफ एंड इफ एल्स। एक होता है फ्रेंड्स नेक्स्टेड इफ, बोला जाता है नेक्स्टेड इफ, यानी इफ एल्स इफ या इफ इफ एल्स, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाना। जैसे हम लोगों ने लूप जब पढ़ रहे थे फॉर लूप, तो वहां पे इनर लूप और आउटर लूप पढ़े थे, वहीं पे कंडीशन में भी इनर कंडीशन और आउटर कंडीशन कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है ये, आउटर कंडीशन इनर कंडीशन नहीं होता, ये आपको समझने के लिए मैंने बोल दिया हूं। नेक्स्टेड इफ उसको बोलते हैं, आइए देखते हैं कैसे यूज होता है। मान लीजिए एक वेरिएबल लेते हैं नम टू इक्वल टू 20, एंड एक और वेरिएबल लेते हैं नम थ्री इक्वल टू 30, राइट। कंडीशन डाल देते हैं इफ नम टू इज 20, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नम टू प्रिंट करेगा भाई, अगर नहीं तो क्या प्रिंट करेगा, एक कंडीशन और चेक करेगा क्या, यहां पे मिफ लगाएंगे, यहां पे कंडीशन चेक करेगा कि नम थ्री की वैल्यू अगर 30 के इक्वल्स है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करेगा नम थ्री, नहीं तो यहां भी एल्स लगा सकते हो आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंडीशन इज फॉल्स। कहने का मतलब यह है, आप समझ पा रहे होंगे, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी मैं एलिब्रेट कर देता हूं, नम टू नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 20 साइन है, और नम थ्री नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 30 साइन है। नम टू डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, और सिंगल इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर, तो नम टू डबल इक्वल टू बराबर 20, यानी नम टू का वैल्यू 20 के इक्वल रहेगा, अगर 20 के इक्वल होता है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये प्रिंट करेगा, यानी नम टू का वैल्यू आ जाएगा,
नगर नहीं होता है तो ये बाहर आ जाएगा, एल्स पार्ट में आएगा, और एल्स पार्ट में आते ही जब अंदर आएगा तो पाएगा एक कंडीशन और है। तो यहां चेक करेगा कि यदि नम 3 = 30, यानी नम की 3 की वैल्यू जो 30 है वो 30 के 30 बराबर हैं, अगर मैच कर रहा है, इक्वल्स टू हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नम 3 की वैल्यू प्रिंट करेगी। अदरवाइज ये भी अगर फॉल्स होता है तो इस एल्स में आ जाएगा और कंडीशन इज फॉल्स प्रिंट कर देगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 20, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब हम यहां पे 21 करते हैं। नाउ दिस इज अ कंडीशन इज फॉल्स, देन मूव टू कर्सर इन द एल्स पार्ट। 30, डेफिनेटली, क्योंकि नेम का वैल्यू, नम टू की वैल्यू 21 हो गया, और यहां पे हमने कंपेरिजन ऑपरेटर लगा रखा था कि नम टू की वैल्यू 20 के बराबर हो। अब तो बराबर है ही नहीं भाई, जो बराबर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गया और कर्सर इसके बाहर आके एल्स पार्ट में आ गया, राइट। अब जब एल्स पार्ट में आ गया तो इसने देखा कि नम 3 = 30, यानी नम 3 की वैल्यू 30 के बराबर है या नहीं है, और उसे बराबर मिल गया, इसे नम 3 की वैल्यू प्रिंट कर दिया। अगर यहां पे उसको बराबर नहीं मिलता तो ये प्रिंट करता, कंडीशन इज फॉल्स। फिर एल्स पार्ट में आता, इनर एल्स पार्ट में आता, कंडीशन फॉल्स। तो ये हैं इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ, जिसे नेक्स्टेड इफ बोलते हैं। आइए एक कोई छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। लाइक 3 नंबर हैं, उसमें से कोई ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट वैल्यू को फाइंड करने का प्रोग्राम एक बना के देख लेते हैं कैसे इंप्लीमेंट करना है। नाउ कम एंड स्टार्ट, इसी में कर लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं, नीचे हो जाएगा तो स्क्रॉल करना पड़ेगा। वेरिएबल a = 20, वेरिएबल b = 30 एंड वेरिएबल c = 40। प्रोग्राम क्या बन रहा है? इफ a इज ग्रेटर देन b एंड डबल एंड लग गया, एंड ऑपरेटर की ये भी कंडीशन चेक करे और ये भी कंडीशन चेक करे, दोनों कंडीशन चेक कराना है। a इज ग्रेटर देन और डॉक्यूमेंट इज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या प्रिंट करें भाई? ए इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, यहां कंकेटनेशन ऑपरेटर ए प्रिंट कर देते हैं। यहां पे क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ा हो, और ये भी लगा है ए इज ग्रेटर देन ए की वैल्यू सी से भी बड़ा हो, यानी ए की वैल्यू बी और सी से दोनों से बड़ा हो, तो जाके ये प्रिंट करेगा। अब दोनों कंडीशन में, दो कंडीशन लगा है यहां पे, देखिए एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये एल्स के पार्ट में आ जाएगा, और ये दोनों कंडीशन भी फॉल्स होगा जब ए की वैल्यू या तो बी से छोटा हो या तो सी से छोटा हो। तो ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब तो एक चीज क्लियर हो गया कि ए की वैल्यू बी या सी दोनों में से किसी एक से छोटा है। तो अब यहां पे हमें एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा कि बी और सी में से कौन छोटा है या बड़ा है। तो कंडीशन डालते हैं इफ बी इज ग्रेटर देन सी, पास, और प्रिंट करा देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। लिख लेता हूं कोड, फिर आपको बताता हूं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, सी इज ग्रेटेस्ट वैल्यू कंकेटनेशन ऑपरेटर सी।
क्या रहा है, जब ए बी से बड़ा हो या ए और ए सी से बड़ा हो, यानी कि ए बी और सी दोनों से बड़ा हो, इस केस में यह कंडीशन ट्रू होगा और यह प्रिंट करेगा। अब मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी कि ए बी या सी दोनों में से किसी एक से छोटा हो गया, क्योंकि हमने यहां पर दो कंडीशन डाल रखा है, तो ए या तो बी से छोटा होगा या सी से, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो गया एल्स पार्ट में आ जाएगा। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता है, ये तो पता हो गया फॉल्स होते हैं कि ए बी या सी दोनों में से किसी एक से छोटा है सॉरी, लेकिन ये नहीं पता है कि बी और सी में से कौन बड़ा है, तो इसके लिए हमने यहां कंडीशन डाल दिया बी ग्रेटर देन सी, यानी बी की वैल्यू सी के वैल्यू से बड़ा हो तो बी इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, और अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो, ये कंडीशन तब फॉल्स होगा जब सी सबसे बड़ा होगा, तो ये चलेगा। ये है 3 नंबर से ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। आप 3 नहीं 4 नंबर 5 नंबर से भी ऐसे बना सकते हैं, और आप काम करके बनाइएगा, बना कर प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा। आइए देखते हैं आउटपुट क्या आता है। वाह, 40 सी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, बिकॉज 40 है, अब बी को हम सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कर देते हैं 300, बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉजिक एंड प्रोग्राम, आ गया। इसी तरह से हम अगर ए को भी कर देते हैं बड़ा वैल्यू, अब हो गया ए बड़ा वैल्यू। फ्रेंड्स, ये था हमारा जावास्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप का होता है। हम लोगों ने देखा इफ, एक तो इफ होता है, दूसरा इफ एल्स होता है, और तीसरा इफ एल्स इफ यानी नेक्स्ट स्टेट इफ होता है। आप इफ यहां भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं, अपने अपने लॉजिक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कंडीशन 3 टाइप के होते हैं, इफ इफ एल्स एंड नेक्स्ट स्टेट इफ एल्स इफ। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूं कि आप सब वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर इसे अपने कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कर करके इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें होती हैं कि केवल वीडियो देख लेने से काम नहीं चलेगा, वीडियो देखने के बाद आपको सेम इसी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें आपके माइंड में सेट हो पाएंगी। जब तक आप इसके इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप इसको प्रोग्रामिंग खुद से करना नहीं सीखेंगे, खुद से नहीं करेंगे, तब तक आप वीडियो देखने के बाद कुछ दिन बाद भूल जाएंगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकल करिए अपने कंप्यूटर पे, और ऐसे ही छोटे छोटे कई प्रोग्राम बना करके आप अपने आप को देखिए कि क्या आप वास्तव में इफ कंडीशन सीख गए या नहीं सीख पाए। अगर नहीं सीख पाए, आप कमेंट करिए नीचे, जो भी आपको क्वेरीज होंगी है नीचे कमेंट करिए, हम आपको उस क्वेरी का सोल्यूशन बताएंगे, सॉल्व करेंगे उसको। और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप बार बार वीडियो देखिए इसको, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, हम आपको कॉन्टेक्ट करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर हाल में आपकी कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग्स फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे। स्विच केस के बारे में ये है जब आप 1, 2 या 3 कंडीशंस लगाने के लिए होता है, जहां पे मल्टीपल कंडीशंस लगाने होते हैं, लंबी प्रोग्रामिंग करनी होती है, लंबी कंडीशंस होते हैं, वहां पे इफ एल्स लगाने से बड़ी प्रोग्राम हो जाती है, इसलिए उस केस में हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं। जब हम स्विच केस का वीडियो कल बनाएंगे या परसों, तो हम आपको बताएंगे कैसे होगा। तब तक आप सब इफ कंडीशन को देखिए, पढ़िए और समझिए। अभी तक के जो भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोगों ने काफी बढ़िया ध्यान से देखा उसको, पढ़े, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोगों ने, कुछ लोग कमेंट करके बता रहे हैं कितना हेल्पफुल हो रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो देखिए तो जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा और कितना हेल्पफुल हो रहा है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक के जितने भी वीडियोज को आप लोगों ने धैर्यपूर्वक देखा है, धैर्यपूर्वक से देखा, उसको समझा, पढ़ा, उसके लिए आप लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।